जिसमें पुलिस के और फौज के हैं उनके लिए एक स्कीम फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस कर रहे हैं। उन्होंने
कैसे अपनी जो इम्पोर्ट थी उसको कैसे हैंडल किया है और अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई है, जैसे उन्होंने बढ़ाई है ऐसे आप भी चलो कर रहे हैं। हमारी बात नहीं माननी तो आप उनकी बात मान लो। वो आप वैसे भी हर तकलीफ में कहते हैं कि जी चाइना के साथ हमारी ऐसे ऊंची और समुद्रों से गहरी दोस्ती है, चलो उनकी बात मान लो। तीसरा मुल्क बांग्लादेश, जो आपसे 25 साल बाद अलहदा नहीं हुआ, आपने धक्के मार के जिनको अलहदा किया था। इन्हीं वहां क्या होता है, वहां सवाब आते हैं। वो गरीब लोग हैं, ना उनको खाने का पता है ना पीने का पता, उनसे स्मेल आती है। तो देखो आज क्या है, आज उनके रिजर्व 41 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और उनकी तालीम का क्या लेवल है, 99% एजुकेशन। और वो एजुकेशन किसको, जो सही लिटरेट होता है वो उसको एजुकेट उनको कहते हैं कि ये तालीम याफ्ता है या पढ़ा सकता है। हम किसको कहते हैं, जो 10-15 मिनट लगा के हाथ काम काम के अपना नाम लिखता है, हम उसको कहते हैं कि ये लिटरेट। ये है हमारी बदमाशी। अगर हम उनको भी गिने तो हम 40-45% से बात करते हैं। कई करोड़ बच्चे आपके पिछले 14 माह भी स्कूलों से बाहर चले गए हैं सलाद की वजह से और मुख्तलिफ। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट में ही वो काम करती है। आप ये जो मैंने 3 मुल्कों के नाम लिए, कोई आदमी मेरे सामने डिबेट कर रहे हैं कि इन 3 मुल्कों में लोकेशन किसकी है, जियोग्राफिकल, और जो दुनिया से मादा माल जो मुल्क है एलएनजी गैस पेट्रोल उसके हिसाब से अगर लोकेशन देखे तो किसकी है, इंपॉर्टेंस किसकी है, इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की है। आप देख लें चाइना की नहीं है, क्योंकि तो चाइना पाकिस्तान का मोहताज है समुद्र तक पहुंचने के लिए। उसका फासला 6,000 किलोमीटर का होता है। इंडिया मोहताज है ईरान से अपनी लाइनें डालने के लिए। इंडिया मोहताज है बस्ती रियासतों तक पहुंचने के लिए। बांग्लादेश तो वैसे ही दूसरी तरफ, उसको भी कुछ चाहिए तो वो इंडिया से गुजर के जाएगा और इंडिया को चाहिए तो पाकिस्तान से गुजर के जाएगा। हम अभी भी कह रहे हैं हम क्यों उनसे पूछे, ये सोचने वाली बात है। जो हमारे एहसन साहब है सरदार कार साहब है, इनको गवर्नमेंट की बात करनी चाहिए कि यार 75 सालों में हमने भी आपकी बात मानी, आप हमारी बात मान लो, अगर नहीं तो चलो और साल मान लेते हैं, लेकिन हमें भी तो इज्जत की जो दुनिया में सफ है उसमें हमें भी तो शामिल करो। अगर आपके रिजर्व बांग्लादेश से 10-15-20 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर ज्यादा है, उनके 42 है, हमारे अगर 80-90 बिलियन डॉलर के रिजर्व है तो हमें क्या, इसका मतलब गवर्नमेंट ठीक ठाक जा रही है। अगर पाकिस्तान के ऊपर डेट नहीं है, पाकिस्तान के रिजर्व अच्छे हैं, एजुकेशन के ऊपर, आज आपको पता है आप इन लोगों की पाकिस्तान में बाजी बढ़ा रहे हैं। ये चीजें जिन मुल्कों में नहीं जाएगा आसानी के साथ, आपकी आबादी की ग्रोथ जो है 3% सालाना के करीब पहुंच चुकी है, जो कि इटसेल्फ आपके सारे मिसाइल को खा जाएगा, क्योंकि इतनी आपकी ग्रोथ नहीं है। सीधी सी बात है, मैं जबकि बात आपको समझाता हूं, अगर हमारी ग्रोथ भी 3% है इस दफा तो वो भी नहीं होनी, तो 3% आबादी बढ़ रही है तो एक बंदे को रोजगार नहीं मिलेगा, एक आदमी का जो जिंदगी का लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपनी होगा, क्योंकि जितनी तरक्की की उतनी आपने आबादी बढ़ा दी। तो नेट रिजल्ट 3+ हुए, 3 ही आगे माइनस हुए तो इक्वल जो है वो भी 12 का 12 रहा, आपको कोई फायदा नहीं। ना आपका एजुकेशन के ऊपर पैसा है, आज दुनिया के जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं उनके मुल्कों से भी ज्यादा कम पैसा आपका एजुकेशन पे खर्च होता है, आपका हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा है, और सबसे बढ़कर ह्यूमन डेवलपमेंट जिसके ऊपर बजट का 5-6% खर्च होना चाहिए मिनिमम, और जिस 12-18% पे चला जाना चाहिए।